बासमती राइस कोहिनूर ये वाला लेते हैं हम, ये हम लेते हैं, बहुत ही अच्छे राइस हैं। जो प्राइस है वही सेम 67p का ये है पूरा पैकेट। तो हमें कितने लेने हैं? देखो इसमें एक रेगुलर प्राइस होता है 175 और एक है क्लब कार्ड का प्राइस। और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि आप घर पे देसी घी कैसे बनाते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ अभी और आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपडेटेड ग्रोसरी के प्राइसेस। आज हम आपको अपने साथ लेके जाने वाले हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। काफी सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए, हमने आई थिंक 2020 में बनाई थी ग्रोसरी वाली वीडियो, बट काफी सारे लोग हमें आजकल पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि आप अपडेटेड प्राइसेस दिखाओ। तो आज हम आपको लेके जाने वाले टेस्को सुपर स्टोर में, लेकिन उससे पहले तो वेलकम बैक गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में चक्कू क्यों है, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ ये वाला जो डेस्क है वो सेटअप। जैसा कि यार हम लोगों को पता है, वैसे तो आज हम ग्रोसरी शॉपिंग में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो ऑर्डर हमारा डिलीवर हुआ है ये एक फ्लेक्सी स्पॉट का स्टैंडिंग डेस्क है। आजकल मतलब वर्क फ्रॉम होम कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है, अभी का भी वर्क फ्रॉम होम होता है, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम होता है, तो एक स्पेस आपको चाहिए होती है। तो हमने क्या किया, जैसे लिविंग रूम में ये वाले स्पेस में मैं अपना डेस्क लगाने वाला हूँ और अभी जो है वो ऊपर बैठती है, तो हम शिफ्ट होते रहते, कभी वो वहां पे कभी मैं यहाँ पे, तो हमें ये वाला डेस्क जो है वो बड़ा पसंद आया था। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। गौरव जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने में लगा हुआ यार है। बहुत ही इजी इंस्ट्रक्शंस है। ये इसका हो गया टॉप और ये इसका हो गया लिफ्टिंग कॉलम, मतलब इसके ऊपर जो है ये पूरा बेस हो जाएगा। बहुत ही इजी है, सब कुछ यहाँ पे ना लिखा हुआ आता है कि भाई कैसे करना है आपको, इसके ऊपर ये लगाना है, ये लगाने के बाद दो इसके पैर हैं, उसके बाद ये ऐसे सेटअप हो जाएगा। फटाफट से सेटअप करते हैं और उसके बाद आपको इसके इजी लग रहा है, सेटअप करने में भी इजी लग रहा है। और सबसे खास बात इसमें मोटर है, बटन दबाओ ऐसे ऊपर हो जाएगा, बटन दबाओ नीचे हो जाएगा, और भी काफी अच्छे फीचर्स है, अभी आपको दिखाता हूँ। और अभी जो है वो हमेशा मुझे असिस्ट करती है कामों में, ये मेरी असिस्टेंट मैनेजर तो नहीं बोल सकते लेकिन असिस्ट जरूर करती है। मैं असिस्ट करती हूँ, मैं वो पकड़ाती हूँ स्क्रूज, कौन सा स्क्रू चाहिए, बोर स्क्रू उधर थे, ये वाला स्क्रू चाहिए, ये ले लो। तो मैं अपने काम पे आ चुकी हूँ। हमने इस घर का पूरा फर्नीचर हमने खुद असेंबल किया था और अभी ने मुझे पूरा असिस्ट किया। गौरव वो था मसल, हाँ, और मैं थी ब्रेन। अच्छा ब्रेन, हाँ, मेरे पास भी है। हम मसल पे थे, हर एक स्क्रू देखना, पता है कितना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्क्रू लगना है, हाँ। तो मैं आपको वो ही स्क्रू ढूंढ के देती थी। चलो अब इसको असेंबल करते हैं फटाफट। फाइनली हमारा डेस्क जो है वो सेटअप हो चुका है और इसका नाम है फ्लेक्सी स्पॉट कॉम हार्ट ऑल इन वन स्टैंडिंग डेस्क। और इनफ स्पेस है इसके ऊपर, मॉनिटर एक रखा हुआ अभी मैंने, लेकिन आप दो मॉनिटर भी रख सकते हो। यहाँ पर एक लैपटॉप है, कीबोर्ड की अच्छी खासी स्पेस है, माउस है और मेरा कॉफी मग जो मैं हमेशा इस पर कॉफी पीता हूँ। तो ये हमारा पूरा सेटअप है, बड़ी अच्छी चीज है। इसके अंदर ये जो एक ड्रॉर है इसके अंदर आप काफी सामान रख सकते हैं। क्वालिटी की बात की जाए तो ये सुपर्ब क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मुझे तो इसका ये टॉप ग्लास टॉप बहुत सही लगा। ग्लास टॉप है, बहुत ही अच्छा ग्लास टॉप है, क्वालिटी बहुत ही थिक है इसकी। एक और बहुत ही अच्छी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी एलईडी स्क्रीन है, ऊपर और नीचे करने का बटन दिया हुआ है और एक से लेकर चार तक ये जो है डिफरेंट पोजीशन पे आप इसको सेट कर सकते हो अपने आप अपने हिसाब से। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं और आजकल यूएसबी सी काफी चल रहा है, तो यूएसबी सी का भी है और ये पावर बटन है। बहुत ही अच्छी चीज है एंटी कोलिजन डिटेक्शन। अगर मैं इसको 3 की हाइट से नीचे भी करता हूं और अगर नीचे कुछ पड़ा हुआ है तो ये नहीं कि उसको टकरा जाएगा, इसके अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्शन है। तो भाई मुझे तो ये डेस्क बहुत ज्यादा पसंद आ गया। अब जो जितनी भी सारी हाइट एडजस्टमेंट्स है ना वो मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगी ताकि गौरव इसको यूज ही ना कर पाए। ये मेरा डेस्क है और मेरा ही रहेगा। आपका डेस्क नहीं है यार, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पता है क्या, जब हम ऑफिस जाते थे ना तो ऑफिस में कभी चाय पीने चले गए, कभी ऐसे मीटिंग्स में चले गए, वॉक कर लिया। अब क्या हो रहा है घर पे वर्क फ्रॉम होम में, मीटिंग्स भी सारी यहीं पे ही है, काम भी सारा यहीं पे ही है, बैठे बैठे कमर की यार हालत खराब हो जाती है। तो ये स्टैंडिंग डेस्क जो है वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि आप जब थक गए हो बैठे बैठे काम करके, आपकी कोई मीटिंग्स है, कॉल्स है, जो आप खड़े होके भी आराम से आपकी हाइट के हिसाब से है,
जो कैमरा होएगा वो अच्छे से आप अपनी मीटिंग्स कर सकते। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली टेस्को शॉपिंग करने, और ये जो बैग है ये रीयूजेबल बैग्स होते हैं ताकि हम बार बार ना खरीदना पड़े और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। हाँ, पैसे भी खर्च होते हैं और साथ में एनवायरमेंट, यार प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट के लिए बहुत गंदे होते हैं, इसलिए रिमेम्बर गाइस ऑलवेज यूज रीयूजेबल बैग्स। तो अभी ईस्टर चल रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे ईस्टर एग्स बच्चों के लिए खरीदते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के ईस्टर एग्स, चॉकलेट्स हैं सारी, कुछ भी नहीं है। हाँ, चॉकलेट के एग की शेप में चॉकलेट बनाया होता है। हाँ। यहाँ पे ना लोगों को बस मौका चाहिए चॉकलेट खाने के लिए। अच्छा, आजकल ना इंडिया में बड़े नींबू बड़े महंगे हो गए हैं। नींबू दिख गए। नींबू यहाँ पे चल रहा है भाई 1 pound 35 pence, 4 का पैक है, 33 pence ईच। सही है, बढ़िया है, लेने नींबू तो चाहिए। नींबू तो चाहिए, ये अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, इसमें क्या है? मतलब देख के लेने होते हैं, ऐसी थोड़ी पहला दिखा उठा लिया। देखो अच्छे से कौन से साफ साफ है। तो इस साइड पे सारे आलू और प्याज लगे हुए हैं, तो ये वाले डिफरेंट प्याज होते हैं, हम बेसिकली लेते हैं ये वाला जो रेड अनियन है वो लगा हुआ है 1 pound 25 pence का। कितना है ये? ऑर्गेनिक वाला है, हम ये ऑर्गेनिक वाला है। हाँ, एक्चुअली हम ऑर्गेनिक नहीं लेते, हम ये वाला लेते हैं। तो ये देखो, ये ना टेस्को में हर जगह आपको दिखेगा ऑल्डी प्राइस मैच, ऑल्डी प्राइस मैच, मतलब ऑल्डी में जो प्राइस है वही सेम 67p का ये है पूरा पैकेट। तो हमें कितने लेने हैं? दो हमें लेने हैं। और यहाँ पर लगे हुए हैं बैंगन, बैंगन का प्राइस ऑल्डी प्राइस में 69p का लगा हुआ है। इसी के साथ बटरनट स्कॉश, ये क्या हो गया, कद्दू नहीं, पेठा। हाँ हाँ, वही एक ही कद्दू, कद्दू और पेठा हो गया। इसका प्राइस है 1 pound 5 pence। बहुत सारी वैरायटी है, ये सारे वैरायटी के आलू यहाँ पर है, ये है। आई थिंक ये बात सबको पता है कि जो आलू की वैरायटी है वो यूके में बहुत ज्यादा, यूके में हर, हाँ, यूके में ही उगते हैं आलू। Exactly. और यूके में हर खाने में तो आलू डाल देते हैं वो। हाँ, है ना, आलू चिप्स हो गए। और ये है देखो, इसमें एक रेगुलर प्राइस होता है 175 और एक है क्लब कार्ड का प्राइस। तो अगर आप यहाँ से नॉर्मल शॉपिंग करते हो तो आप इनका क्लब कार्ड जो है फ्री में कर सकते हो अप्लाई, और आपको ये वाला प्राइस देना पड़ेगा सस्ता वाला। तो एक तो ये आलू हो गए जो कि हैं बेकिंग पोटैटोज नहीं चाहिए हमें, हमें नॉर्मल वाले चाहिए। यहाँ सारे आलू लगे हुए हैं, इसमें भी ऑल्डी प्राइस मैच है, लिखा हुआ है ऑल्डी प्राइस मैच। ये ना बहुत सोच समझ के लेती है, खासकर आलू, क्योंकि आलू का टेस्ट अगर वो इंडिया जैसा ना आए ना, सब्जी वैसी नहीं बनती फिर। लास्ट टाइम जो मैंने लिए थे ना वो बहुत अच्छे थे। हाँ, थोड़े महंगे वाले लो तो बढ़िया भी होंगे, ये वाले ले लो, ये अच्छे लग रहे हैं देखो इंडिया जैसे। ये बढ़िया है, ऑल राउंडर पोटैटोस, तो ये हर चीज में काम आएंगे। हाँ, जो दूसरे वाले वो मैश पोटैटोस। ये कितने के है? इसका प्राइस है 91 pence, बहुत ही सस्ता है यार, इतने सारे 91 pence के कितने किलो है? 2 किलो होंगे, 2.5 किलो आलू 91 pence, सस्ता है यार, इंडिया से भी सस्ता है। सारी की सारी ये ब्रोकली लगी हुई है, गोभी लगी हुई है, तो गोभी का प्राइस देखें तो ये जो अपने वाली गोभी होती है 39 pence की है क्लब कार्ड प्राइस, 79p की। हाँ यार, यहाँ पे ना सुपरमार्केट्स के जो ये कार्ड, हाँ मैंने बताया, कलेक्शन वाले कार्ड होते हैं, हाँ, वो लेने का बहुत फायदा होता है। एक तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और प्लस प्राइस में देखो कितना डिफरेंस है क्लब कार्ड के प्राइस। बट देखो हर जगह पे इन्होंने ऑल्डी प्राइस मैच लिखा हुआ है, मतलब यार अब ये हो गया कि ऑल्डी से शॉपिंग करने का कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलता है। तो गोभी का प्राइस जो है ऑल्डी प्राइस मैच है, कहाँ है प्राइस, यही होगा 1.75 या 1.25। ये 39 pence की मिलती है ऑल्डी में, 39 pence की, वाह यार बहुत बढ़िया है। ये तो ये देखो क्या बढ़िया गोभी लगी हुई है, हमें लेनी नहीं है क्योंकि हम तो जा रहे हैं घूमने भाई। और यार यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, टमाटर की ऐसी मारा मारी हो रही है, मुझे रीजन नहीं पता क्या है, बट हर जगह टमाटर खत्म रहते हैं यार। ये देखो ये सारे टमाटर खत्म पड़े हैं, टेस्को चेरी टोमेटो खत्म है, नॉर्मल वाले टोमेटोज खत्म है, ये छोटे छोटे टोमेटो पड़े हैं सैलेड वाले, ये हमें लेने नहीं है, इससे सब्जी थोड़ी बनेगी। ये ले सकते हैं सैलेड में डालने के लिए, बट सबसे बढ़िया चीज टेस्को पनीर, और ये आता है 1 pack 1 pound 40 का, 1 pound 40 का पैक है ये, और कितना है ये 200 grams है। सबसे बढ़िया पनीर होता है टेस्को का, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल इंडिया स्टाइल वाला पनीर है, तो हम ये दो तो ले ही लेते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि आप घर पे देसी घी कैसे बनाते हो, तो वो हम बनाते हैं अनसॉल्टेड बटर से। यहाँ पे जो बटर की क्वालिटी होती है वो इतनी प्योर होती है कि उससे घी आराम से निकल जाता है, और अगर आप
घी वाला पूरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तभी हम बनाएंगे। ऐसे अभी अभी दो डब्बे भर के बनाए हैं आपने घी। हाँ, और बना लेंगे, चिंता मत करो, आपके लिए हम कुछ भी। कमेंट सेक्शन में बताओ देखना है या नहीं देखना। कमेंट सेक्शन फुल करोगे तभी बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। हाँ, बहुत मेहनत लगती है यार। अब हम सीधा जा रहे हैं वर्ल्ड फूड आइल में, जहाँ पे वर्ल्ड की अलग अलग चीजें जैसे खाने पीने की, मतलब एक सेक्शन इंडियन भी, मेनली इंडिया का है। ये रहा हमारा वर्ल्ड फूड का, देखो इंडियन मैक्सिकन, ये देखो इंडियन मैक्सिकन। वर्ल्ड फूड के आइटम में आपको आटा भी मिल जाएगा। ये जो है ये 480 का है, 5 पाउंड का टेस्को का आटा है। और ये वाला जो है ये एलिफेंट आटा है मीडियम 10 केजी का, जो कि है 5.50 का। इसके अलावा यहाँ पे और भी तरीके के आटा हैं, जो कि ये वाला भी टेस्को वाला है। ये 5 किलो का है तो इसका 3 पाउंड प्राइस है। ये बेसन देख रहे हो आप 140 का। काफ़ी तरह के बेसन लगे हुए हैं यहाँ पर। और भी तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि ये सूजी हो गई 150 की, और ये भी कुछ है जो कि 70p का है, पता नहीं। यहाँ पे रस वगैरह लगी हुई है, मैगी सॉस है, और ये वाली जो है ये केक रस है, फ्रूट केक है, जो कि हमें बड़ा ही पसंद है। ये लॉन्गर बासमती राइस है, जो कि 13 पाउंड का है, कितना है 10 केजी, क्लब कार्ड प्राइस है। हाँ। तो क्लब कार्ड लेना तो यार बहुत ही बनता है यहाँ पर। बासमती राइस कोहिनूर ये वाला लेते हैं हम, ये हम लेते हैं, बहुत ही अच्छे राइस हैं। 13 पाउंड का है, क्लब कार्ड 10 केजी का है, और बहुत सारे हैं। टिल्डा का भी बहुत अच्छा है, और ये बासमती राइस सारे ही अच्छे हैं यार। अगर आपको कोई वो चाहिए ना कि भाई कौन से राइस यूज करना है, तो मैं तो डेफिनेटली मतलब रेकमेंडेड है ये वाले। गोल्डन कोहिनूर बेस्ट है। कोहिनूर बासमती राइस जो है ये बहुत ही बढ़िया है, 13 पाउंड का, ये बढ़िया ले सकते हो। इस पर डील भी लगी रहती है, आज डील नहीं है। हम हमेशा डील चेक करके लेते हैं कि 10 किलो बासमती चावल पे डील कहाँ लगी हुई है। अलग अलग स्टोर्स पे अलग, एजरा में अलग होती है, टेस्को में अलग, मॉरिसन में अलग। तो उसी के साथ यहाँ पर सारी की सारी दालें लगी हुई हैं। रेड स्प्लिट लेंटिल्स 110 की, 140 मतलब नॉर्मल प्राइस है इसका। यहाँ किडनी बीन्स और कोकोनट मिल्क है, ग्रीन लेंटिल्स है, मूंग दाल 225 की, कितनी है ये, 1 किलो की है। और ये सारे लगता है कि इंडियन स्टोर पे जो प्राइसेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। जो जो दालें आपको यहाँ सुपरमार्केट से मिल सकती है आपको यहीं से लेनी चाहिए, मैं ऐसे ही करती हूँ बस। मसाले भी हैं बहुत सारे, चिकन मसाला, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, जनरल मसाले सारे अवेलेबल होते हैं। आपको इंडियन स्टोर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, अगर सुपरमार्केट है तो वहाँ पे मेन चीजें तो मिल ही जाएंगी, मेन चीजें मिल जाती है। हाँ, तो ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो है ब्रेड्स का और नान्स का। तो इसमें से हम जो यूज करते हैं वो है ये 50-50 वाली किंग्स मिल्क की 50-50। इसमें सॉफ्ट वाइट ब्रेड और होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड है, तो ये 50-50 सही रहती है। इसका प्राइस 110 है, लेकिन कभी कभार हम यूज़ करते हैं प्योर वाइट, लेकिन थिक वाली यूज़ नहीं करते हम, करते हैं मीडियम वाली यूज़। ये वाली मीडियम है तो ये वाली ले लेते हैं। इस पे भी ऑल्डी प्राइस मैच लिखा हुआ है, ऑल्डी प्राइस मैच है। कितने की हो गई है, 110 की है। और ये देखो ना, जब आई डोंट नो अब क्या है इंडिया में, लेकिन जब हम इंडिया में रहते थे ना, दो ही ऑप्शन होते थे, या ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड। लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे ना नए, ऐसे लगता था यार इतनी सारी ब्रेड्स हैं और अलग अलग तरह की। प्राइस की बात की जाए तो यार इंडिया भी बहुत महंगा हो गया अब। हाँ, ये तो है। इसी के साथ ब्रेड्स के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर एग्स, तो एग्स भी आप ले सकते हो। इसमें से बहुत ही डिफरेंट तरह के एग्स हैं, कोई भी ले सकते हो। ये बड़ा वाला पैकेट है 1/18 का, इसमें कितने हैं 3-15 एग्स इसमें है, और ये 12 एग्स का है, ये 325 का। ये सबसे महंगा वाला एग्स है, मतलब कोई भी देख सकता है। दूध की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर ये वाला ऑर्गेनिक दूध है, जो कि 1.30 का है, और ये जो ग्रीन ढक्कन वाला होता है ये सेमी स्किम्ड दूध होता है, सेमी स्किम्ड मिल्क, जो कि हम हमेशा ये वाला लेते हैं। तो ये वाला जो है ये बड़ा वाला पैकेट है, 3.4 लीटर का है, और इसका जो प्राइस है वो ऑल्डी मैच 1.70 प्राइस है। इसी के साथ ये जो ब्लू वाला है ये फुल क्रीम वाला होता है, होल फैट वाला, जो इंडिया में आप फुल क्रीम बोल सकते हो। ये भी आप ले सकते हो, लेकिन ये 150 का है। और ये काफ़ी तरह के दूध यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग जो है वो ग्रीन ढक्कन वाला ही लेते हैं हमेशा। अच्छा, आप करते हैं दही की बात। यहाँ पे दही काफ़ी तरह की आती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे योगर्ट, कर्ड नहीं बोलते, योगर्ट बोलते हैं। तो ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, जो कि 49p की है। हम लोग लेते हैं लो फैट योगर्ट, जो कि या तो नेचुरल योगर्ट आप ले सकते हो, या तो नेचुरल ले सकते हो, या एक आती है लो फैट, और ये भी बहुत अच्छी है, ओंकन की है नेचुरल, 225 की। अगर आप इंडिया जैसी सेट योगर्ट, जो दही जमी हुई होती है वो ढूंढ रहे हो, तो दिस वन इज द बेस्ट नेचुरल सेट योगर्ट जो, और इसका प्राइस 225 है बड़े वाले का, 1 kg का है ये। अगर छोटी लेनी है तो 45p की है ये वाली, और ये 85p की है नेचुरल वाली, तो ये भी ले सकते हैं। ये ले लें एक, हाँ। एक ले लेते हैं। <भूल गए। laughs>
तो मेरे पास क्लब कार्ड है तो हमें सस्ता वाला प्राइस मिलेगा आज। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 58 पॉइंट्स। तो ग्रोसरी शॉपिंग जो है हमारी वो हो चुकी है और जो टोटल बिल जो आया वो है 38 pounds 92 pence। ज्यादा शॉपिंग नहीं करी है हमने इस बार। हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करी, बेसिक शॉपिंग करी है क्योंकि हमें जाना है और अगर हम दो दिन भी बाहर है ना और घर पे अगर कुकिंग नहीं हुई तो सामान यहाँ पे बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन मैंने ट्राई किया है सारे के सारे जो चीजें है ना उनका प्राइस आपको दिखा दूं, काफी सारी चीजों का आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि 2022 में जो प्राइस है वो कैसा, मतलब ग्रोसरी का प्राइस कितना बढ़ गया है। तो होपफुली यार आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है जब लोग हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि हमारी वीडियोस उनको पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करते हो आप हमारे चैनल को तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती पीछे है। पीछे बादल देखो क्या तगड़े लग रहे हैं यार, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा हो गया। जो लोग भी यूके में है आई होप यू गाइस आर हैविंग फन, ईस्टर हॉलीडेज चल रही है, प्रॉपर फर्स्ट अच्छा वेदर हुआ है यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।